दोस्तों आजकल मोटापे की समस्या आम हो गई है। हर किसी का वजन बढ़ रहा है और वजन बढ़ने की वजह से शरीर में बहुत सारी बीमारियां भी जन्म लेती हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ ऐसी चीज़ें जो कि आपको अपनी डाइट में शामिल करनी चाहिए, जैसे कि आप घर बैठे ही अपना वजन कम कर सकते हैं। अगर आप वर्कआउट नहीं कर सकते बहुत ज़्यादा, आप जिमिंग नहीं कर सकते हैं, तो आज हम आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताएंगे जिनको अगर आप अपनी डाइट में शामिल करते हैं तो आप अपने वजन को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि वज़न बढ़ना बीमारियों को दावत देने जैसा होता है। देखिए, सबसे पहले तो हम बात करेंगे चावल की। पहले हम आपको बताएंगे कि कौन सी चीज़ें आपको किन चीज़ों से आपको दूरी बनानी है। देखिए, जब बेली फैट की बात आती है तो हेल्थ एक्सपर्ट ये कहते हैं कि चावल कम खाइए। सफ़ेद चावल क्योंकि पॉलिश किया जाता है, इसलिए इसके सेवन से मोटापा तेज़ी से बढ़ता है, इसलिए सफ़ेद चावल को आपको अपनी डाइट से माइनस करना है। आप इसके अलावा ब्राउन राइस खा सकते हैं। तो हम आपको बताने जा रहे हैं कि आपको क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। तो आपको अगर चावल आप खाने हैं तो वाइट राइस मत खाइए, आप ब्राउन राइस खा सकते हैं। इसके साथ ही चीनी, देखिए मोटापे की दूसरी सबसे बड़ी वजह चीनी को माना गया है और बहुत तेज़ी से मोटापा चीनी की वजह से बढ़ता है। वाइट शुगर शरीर का वजन बहुत तेज़ी से बढ़ाती है। अगर आपको मीठा खाना है तो आप फलों का जूस ले सकते हैं या फिर फलों का सेवन कर सकते हैं, क्योंकि ये नेचुरल स्वीट में आते हैं और शरीर को नुकसान भी नहीं पहुंचाते हैं, लेकिन चीनी जो है वो आपके शरीर के वजन के लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक होती है। इसके साथ ही सफ़ेद ब्रेड अक्सर लोग खाते हैं। बहुत से लोग सुबह उठकर सबसे पहले ब्रेड का नाश्ता ही करते हैं। आपको बेली फैट को अगर कंट्रोल करना है तो सफ़ेद ब्रेड को अपनी डाइट से बाहर करना होगा। इससे मोटापा बहुत तेज़ी से बढ़ता है और ये शरीर में जाकर हाई कोलेस्ट्रॉल का कारण भी बनती है। अगर आपको ब्रेड खाना है तो आप होल व्हीट ब्रेड या फिर ब्राउन ब्रेड का सेवन भी कर सकते हैं। इसके साथ ही मैदा का सेवन अगर आप लगातार कर रहे हैं, देखिए मैदा से बनी हुई काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, मैदा से बनी चीज़ें, खासकर मैदा से बनी चीज़ें जो कि तेल में फ्राई की जाती हैं, उनका जो प्रभाव है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इससे मोटापा बहुत तेज़ी से आपका बढ़ता है। मैदा रिफाइंड फ्लोर है और इसमें कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने वाले गुण होते हैं, इसलिए मैदा का इस्तेमाल आपको नहीं करना है। आप जितना इसको कम इंटेक करेंगे उतना आपकी सेहत अच्छी रहेगी। साथ ही अच्छी सेहत के लिए डेयरी प्रोडक्ट काफ़ी फ़ायदेमंद माने जाते हैं, लेकिन इनसे भी आपका वज़न बढ़ सकता है। तो आप ऐसी चीज़ों को अपनी डाइट में शामिल करें जो कि आपका वज़न ना बढ़ाएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।